कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने धार जिले के मोहनखेड़ा में जनाक्रोश यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि किसानों के कर्ज जैसे पहले माफ किया, वैसे ही फिर से माफ करेंगे। वहीं इसके साथ ही प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। प्रियंका ने कहा कि नेता चुनाव में आपके सामने आकर भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी, आज सुबह जब मैं उठी मैंने देखा कि पीएम क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वह क्या कह रहे हैं वह भी सुनना जरूरी है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो नौजवानों से मैंने पूछा क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है, तो मैंने कहा अच्छा क्यों। कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डालेगा, तो इसमें एक बात तो पहले कह रही थी, स्पष्ट हो जाती है कि जब एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है दूसरा वही चीज लगभग कहकर जाता है, तो आपको कैसे पता चलता है कौन सच्चाई कह रहा है। आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है, है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूँ, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली, विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली, महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली, फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं 90% से ज्यादा पद खाली, बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली, पूरे प्रदेश की CHC में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में चले जाते हैं अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया? जहां जहां से रोजगार बनना था, चाहे बड़े बड़े PSU इन्होंने बेच दिए, छोटे छोटे उद्योग पे GST थोप कर नोटबंदी करके उन्होंने ठप करा दिए। मुश्किल में है जितने भी मेरे दुकानदार भाई यहाँ बैठे हैं या छोटे छोटे उद्योगपति हैं, वो बताएंगे आपको कितनी कमाई हुई है। GST भरते 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 उनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज की क्या GST है, उनको खत्म कर दिया। खेती किसानी में रोजगार पैदा होता था, मनरेगा होता था आपके गांव में, वहां पे रोजगार बंद, तो रोजगार देंगे कहां से आपको? आपको कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पे महंगाई इतनी थोप रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। पर ये सब बातें मैं आपको यहाँ इस मंच पे खड़े होकर समझा रही हूँ, आप सबको तो पहले ही मालूम है जी। आप कृष्ण भगवान ने जब रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा? कहा कि घोड़ों का, रथ के घोड़ों की लगाम आप मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगी ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। और मेरी बहनें मुस्कुरा रही हो, लगाम अपने हाथों में लो, अपने भविष्य का रथ रुक्मिणी जी की तरह चलाओ, आगे देखो अर्जुन की आंख और अर्जुन के निशाने के तरह, विकास, अपने बच्चों का भविष्य, अपने अधिकार, इस देश को आगे बढ़ाने का काम अपनी नजर से मत हटाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी बहनों, तुम अगली पीढ़ी का परवरिश करती हो, तुम समाज को बनाती हो। अगर तुम समाज को मजबूत नहीं रखोगी तो ये समाज नहीं रहेगा। जो यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई, यहां पे क्यों नहीं पहुंची?
यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची, इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ, सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए।